अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुलेक्सा है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ वो है कोरोना वायरस और लॉकडाउन की सिचुएशन में हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहते किसे हैं। अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, हमारी वो रवैये जो खुद ब खुद जाहिर होते हैं किसी भी खतरे की हालत में, वो कहलाते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस। अब हर इंसान मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ तरह से रिस्पॉन्ड करता है। इस वीडियो को मैंने इसीलिए डिवाइड किया है दो हिस्सों में। पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल, यानी हमारी बॉडी स्ट्रेस में किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है उस पर, और इसके अलावा बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस की। तो बात करते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस की। सबसे पहले, अगर आप आजकल महसूस कर रहे हैं कि आपके सर में दर्द रहने लगा है, या फिर आपका पेट खराब रहता है, उल्टी या मतली की शिकायत है, इसके अलावा आपके पट्टे दुखते हैं, आपके सीने में दर्द रहने लगा है, या आपकी नींद की रूटीन मुतासर हो गई है, या तो आप बहुत ज़्यादा सोते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा कम सोते हैं, आपकी नींद जो है उड़ गई है जिसे हम कहते हैं आम जबान में, तो हो सकता है ये आपकी बॉडी का तरीका है ये बताने का कि जी यू आर स्ट्रेस्ड आउट। अब बात करते हैं हमारे बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस की। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे कि अगर आपकी भूख मुतासर हुई है, यानी या तो आप बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं या फिर आपकी कंजम्पशन ऑफ फूड जो है वो बिल्कुल कम हो गई है। इसके अलावा अगर आप ऐसी ड्रिंक्स जिसमें निकोटीन या कैफीन की मकदार ज़्यादा हो उसको कंज्यूम करने लगे हैं ज़्यादा, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, या फिर नशावर अद्वियात या सिगरेट है या अल्कोहल है, अगर आप इसका इस्तेमाल पहले नहीं करते थे अब शुरू कर दिया, या पहले मुनासिब अंदाज में करते थे अब इसको बढ़ा दिया। इसके साथ ही अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं या फिर उन्हें टाल रहे हैं, जैसे हम इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेट करना कहते हैं कि मैं कल कर लूँगा, शाम में कर लूँगा, दोपहर में कर लूँगा, और या अगर आप जल्दी अपने आप को महसूस करते हैं कि आप जल्दी थक जाते हैं, आप थोड़ा सा काम करते हैं और आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आप जल्दी थक जाते हैं, सो हो सकता है कि ये तरीका है कि आप अपने रवैयों के ज़रिए बताना चाह रहे हैं कि जी आई एम स्ट्रेस्ड आउट। और फर्दर ये कि अगर आपके अंदर ऐसी आदत डेवलप हो गई है या पहले थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा जाहिर हो रही है, जिसमें नील बाइटिंग, हेयर प्लकिंग या फिर फिजिटिंग ऑफ लेग्स या फिर हैंड जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो एंड मुमकिन है कि आप इस वक्त इस सिचुएशन से स्ट्रेस्ड आउट हैं। एंड नाउ दिस इज़ टाइम फॉर यू टू टेक सम मेजर्स फॉर दिस। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर से देखेगा। होपफुली वी विल बी मेकिंग मोर हेल्पफुल वीडियोज़ फॉर यू गाइज। सो प्लीज़ डू विजिट आर साया हेल्थ टू गेट द मोस्ट ऑफ दीज हेल्पफुल वीडियोज़। बाय।